तस्बीहात। 14 अक्टूबर 1980 का दिन था। इब्राहिम का 2 दिन से कुछ अता पता नहीं चल रहा था। मैं इसके बारे में पूछ गछ करने के लिए जंगी कैदियों के मरकज में भी गया, मगर वहां से भी कुछ मालूम ना हो सका। आधी आधी रात तक दिल में इस्तराब रहता कि मैं अपने सबसे गहरे दोस्त के बारे में कुछ भी नहीं जानता। नमाज फजर के बाद सहन में आया तो अबू ज़र बैरक पे अजीब तरह का सुकून छाया हुआ था। मैं सहन की मिट्टी पर बैठ गया। इब्राहिम के साथ गुजरे हुए तमाम वाकया तो लम्हात मेरे जहन में घूमने लगे। अभी तक उजाला भी नहीं हुआ था। बैरक का फाटक एक आवाज से खुला और कुछ लोग अंदर दाखिल हुए। बेख्तियार मेरी निगाहें बैरक के फाटक की तरफ उठ गईं। झटपटे में नजर आने वाले उस चेहरे पर मेरी नजरें जमी की जमी रह गईं। मैं अपनी जगह से खुशी के मारे उछल पड़ा। वो इब्राहिम ही था। इन आने वालों में से एक इब्राहिम था। मैं दौड़ पड़ा और चंद लम्हों बाद हम एक दूसरे के गले लगे हुए थे। उस वक्त मुझे जो खुशी हुई वो नाकाबिले बयान है। कुछ देर बाद हम जवानों के बीच बैठ गए। इब्राहिम इन 3 दिनों का माजरा सुना रहा था। हम एक बख्तरबंद गाड़ी में काफी आगे तक निकल गए थे। नहीं मालूम इराकी कहाँ से टपक पड़े। एक टीले के पास हम उनके महासरे में आ गए। 100 के लगभग इराकी टीले के ऊपर से और मैदान से हमारी तरफ गोलियां चला रहे थे। हम 5 लोग थे। हमने एक टीले के पास एक गढ़ा पाया तो उसे मोर्चा बनाकर जवाबी फायरिंग करने लगे। ग्रुप तक हम अपना दिफा करते रहे। जैसे ही अंधेरा छा गया तो इराकी भी पीछे हट गए। रास्ता जानने वाले 2 आदमी जो हमारे साथ थे वो शहीद हो चुके थे। हम मोर्चे से बाहर आए। वहां इर्द गिर्द कोई भी न था। हम इस टीले के पीछे दरख्तों में चले गए। वहां शोहदा के जसद दफनाए। थकावट और भूख से हमारा बुरा हाल था। ग़ुरूब आफ्ताब की सिम देखकर हमने क़िबला मुशख़्स किया और नमाज पढ़ी। नमाज के बाद मैंने अपने दोस्तों से कहा कि इस मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए तस्बीहात हज़रत ज़हरा अलैहिस्सलाम पूरे खुशू खुज़ू से पढ़ें। इसके बाद मैंने उन्हें मज़ीद बताया कि ये तस्बीहात पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने अपनी बेटी को तालीम फरमाई थी जब वो बहुत ज़्यादा मुश्किलात और सख्तियों का शिकार थी। तस्बीहात पढ़ने के बाद हम दोबारा इस मोर्चे पर वापस आ गए। इराकियों का कुछ पता न था। हमारा असलहा भी कम रह गया था। अचानक टीले के पास कुछ इराकियों की लाशों पर मेरी नजर पड़ गई। हमने उनका असलहा, मैगजीन और दस्ती बम उठा लिए। कुछ खाने का सामान भी मिल गया। इसके बाद हम चल पड़े, लेकिन किस सिमत को जा रहे थे ये हमें मालूम नहीं था। अंधेरा छा चुका था और हमारे इर्द गिर्द साफ मैदान था। मेरे हाथ में तस्बीह ही थी और वो मैं मुसलसल पढ़े जा रहा था। दुश्मनों की तरफ से महासरा, थकावट, तीरा और तारीख रात, इन सब के बावजूद मेरे दिल को एक अजीब सा इत्मीनान मिल रहा था। आधी रात को खुले मैदान में हमें एक कच्चा रास्ता मिल गया। हम उस पर चल पड़े। हमें एक फौजी छावनी में पहुंच गए जहाँ रेडार नस्ब था। इसके पास कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स भी थे। इस छावनी में कुछ मोर्चे भी नजर आ रहे थे। हम नहीं जानते थे कि हम कहाँ हैं। हमें अपने जिंदा रहने की जर्रा बराबर भी उम्मीद नहीं थी। यही वजह थी कि हमने एक अजीब फैसला किया। तस्बीह के बाद मैंने इस्तखारा भी किया जो अच्छा आ गया। हम अपना काम शुरू हो गए। खुदा की मदद से हम दस्ती बमों और फायरिंग के जरिए इस छावनी की ईंट से ईंट बजा सकते थे। जब रेडार ने काम करना छोड़ दिया तो हम सब उसके पास से हट गए। घंटा भर बाद हम दोबारा इस रास्ते पर चल पड़े। सुबह के वक्त एक पुरमन जगह हमें मिल गई और हम आराम करने लगे। हमने सारा दिन इस्तराहत की। ये सब कुछ नाकाबले यकीन था। हमें एक अजीब किस्म का इत्मीनान महसूस हो रहा था। रात जैसे ही गहरी हुई हमने दोबारा अपना रास्ता नापा और अल्लाह की मदद से अपने फौजी जवानों के पास पहुंच ही गए। इब्राहिम ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा, जो कुछ हमने इस अरसे में देखा वो फकत खुदा की अयानत थी। तस्बीह ज़हरा सलावतुल्लाह अलैहा ने हमारी बहुत सी मुश्किलात हल कर दी। इसके बाद कहने लगा, दुश्मन अपनी ईमान की कमजोरी के बायस हमारी फौज से बहुत डरता है। जहां तक हो सकता है हमें गैर मुनज़्ज़म हमलों में वसत लानी चाहिए ताकि दुश्मन की तरफ से होने वाले हमलों का सद्देबाब किया जा सके। अल महदी कॉलोनी। अली मुकद्दम और हुसैन जहान बख्श बयान करते हैं कि जंग शुरू हुए 1 माह का अरसा गुजर चुका था। इब्राहिम, हाज हुसैन और कुछ दूसरे रुफका सरबल जहाब के अतराफ में वाक महदी कॉलोनी की तरफ चले गए।
और वहां जाकर दुश्मन के मुकाबल पहली मर्तबा तैयारा शिकन तोप मोर्चे बनाए। नमाज फजर से फारिग हुए तो मैंने देखा कि सब जवान इब्राहिम को तलाश कर रहे हैं। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हुआ? कहने लगे, आधी रात के बाद से इब्राहिम का कुछ अता पता नहीं है। मैं भी उनके साथ मोर्चों और निगहबानी वाली जगहों पर जाकर इब्राहिम को ढूंढने लगा, मगर उसका कुछ पता न चला। कोई घंटा भर गुजरा होगा कि निगहबानी पर मामूर एक जवान ने बताया कि नाले के रास्ते से कुछ लोग इस तरफ आ रहे हैं। उस नाले का रुख दुश्मन की तरफ था। मैं फौरन निगहबानी वाले मोर्चे की तरफ चला गया और जवानों के साथ मिलकर आने वालों को देखने लगा। 13 इराकी फौजी बंधे हाथों के साथ एक दूसरे के पीछे पीछे चलते हुए हमारी तरफ आ रहे थे। इनके पीछे इब्राहिम और एक दूसरा जवान थे। इन दोनों ने बहुत सा असलहा, दस्ती बम और मैगजीन भी उठा रखी थी। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि इब्राहिम एक दोस्त के साथ मिलकर इतना बड़ा मार्का मार लेगा, और वो भी ऐसी सूरत हाल में कि मेहदी कॉलोनी में असलहे की कमी भी थी, हत्ता कि कुछ मुजाहिदीन के पास सिरे से असला था ही नहीं। हमारा एक जवान काफी जोश में आ गया। उसने आगे बढ़कर पहले इराकी कैदी के मुंह पर जोर से थप्पड़ मारा और कहा, इराकी फौज मुर्दाबाद। सब एक लम्हे को तो हक्का बक्का रह गए। इब्राहिम कैदियों के पास से हटकर उस जवान के सामने आकर खड़ा हो गया। एक एक करके अपना असलहा उतारा और चिल्लाकर उस जवान से कहा, तुमने इसके चेहरे पर क्यों मारा? जवान शदीद हैरान हो गया, मगर ये क्या, ये हमारा दुश्मन है। इब्राहिम ने उसके चेहरे पर नजरें जमाए हुए कहा, पहली बात तो यह है कि हमारा दुश्मन थे लेकिन अब हमारी कैद में हैं, और दूसरी बात यह है कि ये लोग असलन नहीं जानते कि हमसे क्यों लड़ रहे हैं। अब तुम उनके साथ ऐसा सलूक करना चाहते हो? वो जवान थोड़ी देर तक खामोश रहने के बाद कहने लगा, मुझे मुआफ कर दें, मैं जरा जोश में आ गया था। इसके बाद उसने पलट कर इराकी कैदी के माथे पर बोसा दिया और उससे अपने रवैये की माफी मांगी। इराकी कैदी जो हैरत से हमारी हरकतें देख रहा था, इब्राहिम की तरफ देखता ही रह गया। उस कैदी की हैरान कुन आंखों में कहने का बहुत कुछ था। जंग शुरू हुए 2 माह हो चुके थे। इब्राहिम छुट्टी पर घर आया तो हम कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर गए। इस मुलाकात में इब्राहिम जंग के दौरान पेश आने वाले वाकयात बयान कर रहा था, लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बता रहा था। होते होते मुजाहिदीन की नमाज़ो इबादत पर गुफ्तगू पहुंची तो इब्राहिम अचानक हंस पड़ा और कहने लगा, अल मेहदी कॉलोनी में जंग के इब्तदाई दिनों में 5 जवान हमारे साथ आकर शामिल हुए। वो एक गांव में इकट्ठे ही महाज पर पहुंचे थे। कुछ दिन गुजरे तो मैंने देखा कि वो नमाज नहीं पढ़ते। मैंने एक दिन उनसे बात की। वो बेचारे बहुत ही सादा लौह इंसान थे, न तो पढ़े लिखे थे और न ही उन्हें नमाज आती थी। फकत इमाम खुमैनी से मोहब्बत की वजह से महाज पर आ गए थे। दूसरी तरफ उन्हें खुद भी नमाज सीखने का शौक था। जब मैंने उन्हें वजू सिखा दिया तो एक जवान को बुलाया और उन दोस्तों से कहा, ये साहब तुम्हारे पेश नमाज हैं, जो कुछ ये करें आप भी अंजाम दें। मैं आपके पास खड़ा होकर नमाज के अस्कार को बुलंद आवाज में बार बार पढ़ूंगा ताकि आपको अच्छी तरह नमाज याद हो जाए। यहाँ तक पहुँचकर इब्राहिम अपनी हंसी न रोक सका। कुछ देर बाद बोला, पहली रकत में अलहम्द पढ़ते हुए इमाम जमात ने अपने सर में खारिश करना शुरू कर दी। मैंने देखा तो वो पांचों भी अपने सर में खारिश कर रहे थे। मुझे बहुत हंसी आई लेकिन मैंने अपने आप को रोके रखा। लेकिन जब इमाम जमात ने सजदे से सर उठाया तो सजदगाह उसकी पेशानी से चिपक गई और फिर गिर गई। इमाम जमात जैसे ही सजदगाह उठाने के लिए बाएं तरफ झुका तो पांचों भी बाएं तरफ झुक गए और अपने हाथ बढ़ा लिए। ये देखना था कि मुझे अपनी हंसी पे काबू ना रहा और मैं खिलखिलाकर हंस पड़ा। मुश्किल कुशा। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम से एक बार पूछा गया, मोमिनीन में से कामिल तरीन ईमान किसका है? तो आपने फरमाया, जो राह खुदा में अपनी जान और माल से जिहाद करे। कमांडर मोहम्मद कौसरी लश्करे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के साबिक कमांडर इब्राहिम के हवाले से अपनी यादें बयान करते हुए कहते हैं, जंग के इब्तदाई दिनों में सरपल जहाब के मुकाम पर मैंने इब्राहिम से कहा, हादी भाई आपकी तनख्वाह तैयार है, जब भी चाहें आकर ले सकते हैं। उसने जवाब में बहुत आहिस्ता से पूछा, आप तेहरान कब जा रहे हैं? मैंने कहा, हफ्ते के आखिर में। के बाद कहा, मैं आपको 3 पते लिख दूंगा, जब आप तेहरान जाएं तो ये पैसे उन 3 घरों में दे दें। मैंने ये काम कर दिया।
बाद में मुझे मालूम हुआ कि वे तीनों खानदान जरूरतमंद और सफेद पोश थे। मैं वहां से वापस आ रहा था जब खुरासान चौक पहुंचा तो मैंने देखा कि मेरे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। मैं घर की तरफ चला जा रहा था और सोचता जा रहा था कि अभी घर पहुंचूंगा तो बीवी बच्चे मुझसे पैसे मांगेंगे। घर के किराए का भी बंदोबस्त नहीं हुआ। किसके पास जाऊं, किससे अपना माजरा सुनाऊं? मैं अपने भाई के घर जाना चाहता था मगर मेरी हालत कुछ मुनासिब नहीं थी। मैं आरिफ चौक पे खड़ा अपने आप से कहे जा रहा था, फकत खुदा ही मेरी मदद कर सकता है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। इसी सोच में गलता था कि अचानक इब्राहिम पर नजर पड़ी जो अपनी मोटरसाइकिल पर मेरी तरफ आ ही रहा था। मैं बहुत खुश हुआ। वो मुझे देखते ही मोटरसाइकिल से उतरा और मुझे अपने गले लगा लिया। कुछ मिनट तक हमने बातें की। जाते जाते उसने इशारे से पूछा, तनख्वाह ले ली? मैंने कहा, नहीं अभी नहीं ली, लेकिन ज्यादा जरूरत नहीं है। उसने अपनी जेब में हाथ डाला और पैसों की एक गडरी निकालकर मुझे थमा दी। मैंने कहा, नहीं इब्राहिम, मैं ये हरगिज नहीं लूंगा, तुम्हें खुद जरूरत है। कहने लगा, ये कर्ज हसना है, जब भी तनख्वाह लेना तो मुझे वापस कर देना। इसके बाद उसने पैसे मेरी जेब में डाले और सवार होकर ये जा वो जा। इन पैसों में बहुत बरकत थी, मेरी बहुत सी जरूरतें उनसे पूरी हो गईं। काफी अरसे तक मुझे माली हवाले से कोई मुश्किल पेश न आई। मैंने उसके लिए बहुत दुआ की। उस दिन खुदा ने इब्राहिम को मेरे पास भेजा। वो हमेशा की तरह मुश्किल कुशा बनकर आ गया था। शहीद अंदर्ज गो ग्रुप। मुस्तफा सफार हरनदी बयान करते हैं, जंग को थोड़ा अरसा गुजर चुका था। मुल्क के मगरबी हिस्से में तैनात सिपाह के आला ओहदेदारान ने एक मीटिंग का इंतजाम किया। इस मीटिंग में तय ये पाया कि सिपाह के रजाकार जवानों को मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम कर दिया जाए, लिहाजा कुछ जवान सरपल जहाब से सूरमा की तरफ, कुछ मेहरान और कुछ साले आबाद की तरफ और कुछ बुस्तान की तरफ रवाना हो गए। मीटिंग के मुताबिक जंगी इलाकों में तैनात कमांडर हुसैन अल्लाह करम को गीलान गर्ब नफ्त शाह की सिपाह की कमान सौंप दी गई। वो बटालियन 8 और 9 के कुछ दस्तों को लेकर गीलान गर्ब को रवाना हो गए। इब्राहिम जो अखाड़े के वक्तों से ही हाज हुसैन के साथ देरीना रफाकत रखता था, वो भी उनके साथ गीलान गर्ब चला गया और उसे सिपाह का डिप्टी ऑपरेशन कमांडर बना दिया गया। गीलान गर्ब मुख्तलिफ पहाड़ों के दरमियान घिरा एक शहर है। शहर पर वाकई ये शहर निफ्त शहर से 50 जबकि सरपल जहाब से 70 किलोमीटर के फासले पर है। इराकी अफवाज ने इस शहर के कुर्बो जवार और उसके बहुत सी चोटियों पर कब्जा कर लिया था। जंग के इब्तदाई दिनों में इराकी अफवाज की 4th डिवीजन गीलान गर्ब में दाखिल हो गई थी मगर वहां के गयूर मर्दों और औरतों की इस्तकामत के सामने न ठहर सकी और फरार करने पर मजबूर हो गई। इस हमले के दौरान इस शहर की एक औरत ने दरांती से वार करके 2 इराकी फौजियों को हलाक कर दिया था। इसके बाद काफी लोगों ने वो शहर छोड़ दिया था। जो बाकी रह गए वो दिन को शहर में आ जाते और रातों को इस्लामाबाद के रास्ते पर लगे खेमों में चले जाते। फौज की ब्रिगेड जुल्फिकार भी गीलान गर्ब के अतराफ में बांध सीरान के इलाके में आन ठहरी थी। गीलान गर्ब की फौज को अपनी सरगर्मियां शुरू किए कुछ दिन गुजर गए थे। इस अरसे में जवानों का काम फकत यही था कि वो दुश्मन की तरफ से इम्कानी हमलों की सूरत में दिफा के लिए आमादा रहें। इसके अलावा फौज की कोई खास सरगर्मी नहीं थी। एक मीटिंग हुई, जवानों ने तजवीज दी कि जिस तरह जनूब में डॉक्टर चमरान ने गैर मुनज्जम जंग और सरपल जहाब के इलाके में असगर विसाली ने छापा मार जंगों का आगाज किया था, इसी तरह का एक छापामार दस्ता गीलान गर्ब के इलाके में भी तैयार किया जाए। छापामार दस्ता आमादा हो गया। इसके बाद इसके हमलों की सरबराही इब्राहिम हादी और जवाद अफसरेबी को सौंपी गई। जवानों ने तजवीज दी कि इस दस्ते को डॉक्टर बहिश्ती के नाम से मंसूम किया जाए, लेकिन जब शहीद बहिश्ती खुद इस इलाके के दौरे पर आए तो उन्होंने इसकी मुखालफत करते हुए कहा, चूंकि आप लोग छापामार दस्ता हैं, लिहाजा इस दस्ते को शहीद अंदाज से मौसूम किया जाए, क्योंकि वही थे जो छापामार जंग के बानी थे। इब्राहिम ने इमाम खुमैनी, आयतुल्लाह बहिश्ती और रहबर मुअज्जम सैयद अली खामनई की बड़ी तस्वीर अपने कैंप में लगा दी। इस छापामार दस्ते ने अपने काम का आगाज कर दिया। इस दस्ते के तमाम जवान इसके नाम की तरह गैर मुनज्जम थे, क्योंकि इस दस्ते में हर किस्म का फौजी शामिल था। इस दस्ते में जहां जवान थे वहां बूढ़े अफराद भी थे। अनपढ़ अफराद के साथ डॉक्टर हजरात भी मौजूद थे।
मुत्तकी और परहेजगार लोग भी थे और ऐसे अफराद भी थे जिन्होंने वहीं आकर नमाज पढ़ना सीखी थी। हौजा अलमिया के उलमा के साथ साथ कम्युनिज्म से तायब होकर आने वाले कम्युनिस्ट भी वहां पाए जाते थे। गर्ज ये कि एक दोस्ताना और मुखलिसाना फिजा में हर किस्म का आदमी नजर आता था। तकरीबन 40 अफराद पर मुश्तमिल इस ग्रोह में एक चीज मुश्तरक थी, वो थी शुजाअत और बुलंद हिम्मती। इब्राहिम के जिसके सर पर इस दस्ते की सरबराही की जिम्मेदारी थी हमेशा कहा करता था, हमारा कोई कमांडर नहीं है। वो बहुत मोहब्बत और दोस्ताना तरीके से अपने ग्रोह की कमान संभाले हुए था। इस दस्ते का इंतजाम कुछ ऐसे मुरतब पा गया था कि हर काम खुद ब खुद हो जाता था और किसी को किसी दूसरे से कुछ कहने की जरूरत न पड़ती थी। अक्सर काम फिक्री हम आहंगी से अंजाम पा जाते थे। सबसे ज्यादा जवाद अफरासियाबी और रजा गुदीनी इब्राहिम के साथ साथ रहते थे। इस दस्ते की रोजाना सरगर्मियों में से एक सरगर्मी ये भी थी कि वो इलाके के लोगों की मदद के लिए निकल खड़े होते थे। इस तरीके से गीलाने गर्ब के बहुत से मुकामी जवान भी इस दस्ते में शामिल हो गए। दुश्मन के इलाकों और उनके मोर्चों की जासूसी और हमले के लिए मुख्तलिफ टीमें तश्कील देना शहीद अंदाज को ग्रुप की ज्यादातर मसरूफियात थीं। इसके अलावा चोटियों को अबूर करना और दुश्मन के इलाकों का सही और दकीक नक्शा तैयार करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। इब्राहिम का तरीक़ाकार बहुत अजीब था। वो कुछ जवानों को लेकर आधी आधी रात तक चोटियां उबूर करके चला जाता। ये लोग दुश्मन के ठिकानों के उखबी हिस्सों तक जा निकलते और उनके ठिकानों और असलहे के बारे में इंतहाई तफसीली मालूमात लेकर वापस आते। इब्राहिम कहा करता था, अगर ऐसा न किया जाए तो हमलों में कामयाब होना यकीनी नहीं होता, लिहाजा जासूसी पूरी तफसील से और सही अंदाज से होनी चाहिए। इब्राहिम यही तरीका कार अपने मातहत दूसरे जवानों को भी सिखाता था। उसका कहना था, जासूसी के मामले में जवानों के अंदर शुजाअत होनी चाहिए। अगर किसी इंसान के अंदर खौफ का वजूद हो तो वो कभी भी एक अच्छा फौजी नहीं बन सकता। वो अक्सर फौजी जवानों की जूद फहमी और दिक्कत अमल पर जोर देता रहता था। यही वजह थी कि फौजी जासूसी और दुश्मन के हमले से मालूमात के शोबे में इंतहाई माहिर और बेहतरीन जवान इस दस्ते से तरबियत पाकर सामने आए, हत्ता कि इनमें से कुछ बहादुर कमांडर्स भी बने। नजफ ग्रुप में जासूसी और हमले की जिम्मेदारी संभालने वाले 313 हुर ब्रिगेड के कमांडर का कहना था, इब्राहिम ने अपने खास तरीके से इस ब्रिगेड की बुनियाद रखी थी, अगरचा उसकी मुकम्मल तश्कील से पहले वो शहादत से हमकिनार हो गया था। शहीद अंदाजगो छापामार दस्ते ने अपनी इन्हीं नामुनज्जम फौजियों के जरिए अपनी एक साल कारकर्दगी के दौरान 52 छोटे बड़े हमले किए। उन्होंने गीलाने गर्ब के इलाके में इराकी फौज के चौथे डिवीजन को नाको चने चिवा दिए और उसे भारी नुकसान पहुंचाया। इस छोटे से दस्ते में ऐसे अजीम इंसानों ने परवरिश पाई कि दिफाए मुकद्दस के दौरान उनकी बहादुरी और दिलेरी के हम हमेशा मकरूज रहेंगे। उन्होंने इब्राहिम के जरखेस वजूद से खोशाचीनी की और उसकी रफाकत पर नाज करते थे। इस मुकाम पर काफी बड़ी तादाद में शहदा के नाम और उनके ब्रिगेड की तफसीलात दी गई हैं। ये तफसीलात आप किताब में अज खुद पढ़ सकते हैं।